तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं सीट फॉर्म। तो अभी भी मोतीलाल जी ने एक मुझे बना के दिया है एक फॉर्म, मैंने उनको व्हाट्सएप किया था कि दो चॉइसेस भेजे थे कि दोनों में से जो व्हाट्सएप बना ले, और मैंने बोला था जो सबसे अच्छा बनाएगा उसी के फॉर्म पे काम करो। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ हमारे एक स्टूडेंट राणा जी ने ही भेजा है, मोतीलाल राणा जी ने ही भेजा है, तो मैं चॉइस नहीं कर सकता कि कौन सा सबसे अच्छा है। मतलब कि मैंने आपको चॉइस दिया लेकिन आपने मुझे कोई चॉइस नहीं दिया। चलिए तो हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नेम वगैरह है, अब आपने देखिए सबसे पहले बात जो फर्स्ट नेम यहाँ लिखे हुए हैं इस तरह से किए हुए हैं, एक गलत है, समझे सर? क्यों? अच्छा क्योंकि जब यहाँ कुछ टाइप करेगा तो फर्स्ट नेम तो आपका हट जाएगा ना। हाँ तो जी हाँ जी इसको क्या करें कि इसके पहले वाले कॉलन पे रखें और इसको अच्छा यहां से इसको डिलीट करते हैं। देखा सर, अब इसकी कलर को कर दीजिए यहां से ग्रे, सॉरी इसकी कलर ग्रे नहीं, इसके यहाँ पे इसकी कलर कर व्हाइट हो गया, ग्रे कर दीजिए, ठीक है? और इसकी कलर आप ब्लैक रखिए ताकि अब मैं इसमें कुछ टाइप करूंगा, जैसे पूजा टाइप किया, पूजा दिख रहा है, लेकिन जैसे पूजा को डिलीट किया फर्स्ट दिखेगा, समझे? ओके सर, इंडेंट के साथ ना, समझ गया सर। हाँ, सिंह मैंने यहाँ पे लिखा, इस सिंह को डिलीट कीजिए और इस सिंह को इंडेंट कर दीजिए और पोजीशन कर दीजिए अच्छा और ठीक इसको कर दीजिए ब्लैक, सेम फोन नंबर और बाकी चीजों भी सेम कर दीजिए। तो मुझे क्या करना है कि जब मैं इसकी सबमिट बटन सेंड बटन पे क्लिक करूँ तो अगले शीट पे डेटा चला जाए। तो कैसे जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक आईडी जनरेट हो, एक आईडी, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट नेम और ला, यहाँ पे आईडी जनरेट हो, डेट हो, टाइम हो, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट अच्छा नेम एंड लास्ट, देन फोन नंबर, देन यहाँ पे फोन नंबर। उसके बाद तीसरा आता है आपका शॉर्ट टेक्स्ट यानी स्टूडेंट आईडी, ठीक है? तो ये शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ डाल दिया, स्टूडेंट आईडी जो है आपका मैंने यहाँ डाल दिया, और ये आता है रिक्वेस्ट फॉर। अब रिक्वेस्ट फॉर उठाया और यहाँ डाल, उसके बाद रीजन। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को मैं अधूरा बना रहा हूं, पूरा आप लोगों को करना है, ठीक है? क्योंकि सारा मैं बना दूंगा तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ बचेगी ना। ये पूरा डेटा हम रखते, बाकी से तो ठीक है, बट ये कैसे होगा? तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैं इस पे जाऊं, इस पे राइट क्लिक करूं, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे इसको 3D कर दीजिए, आपने 3D नहीं किया है, और किसी एक सेल पे उसको रेफर कर दीजिए, जैसे कि हमने J17 पे कर दिया, ठीक है? बाकी सब करने की जरूरत है, जैसे क्लिक होगा उस तरह से आपका यहाँ, और अच्छा दिखने के लिए सबको वन बाय वन सेलेक्ट करके 3D कर दीजिए। 3D तो अच्छा दिख रहा है ना, फटाफटा नहीं दिख रहा है ना सर क्या? तो जो भी मुझे सिलेक्ट होगा इसका उसका सीक्वेंस आ जाएगा। अब यहां सीक्वेंस में आप इफ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ अगर ए इक्वल टू वन है तो यहां पे क्या है, रीजन ऑफ रीजन लोड। ऑफ लोड, ठीक है? या चूज लगा, वन टू थ्री है ना, तो इफ मत लगाइए, क्या लगा दीजिए, चूज लगा दीजिए, चूज सही रहेगा ना। क्या प्रशंसा जी, सही बोल रहा हूं या चूज भी बोल रहे हैं आप? जी और दूसरा नंबर पे आप शिफ्टिंग कर दीजिए,
ऐसे बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि तो मैंने बताया था कि मैं अधूरा कर रहा हूँ, पूरा आपको कर। ठीक है, बाकी तो हमारा सेल है तो सेल से वैल्यू उठ के चली आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो डेटा में झलक कर चला जाना चाहिए। तो हम डेटा मेनू बार में आते हैं और यहाँ पे कौन सा सीट है, फॉर्म फॉर्मेट, ये रहा फॉर्म फॉर्मेट, इंसर्ट मॉड्यूल, हमने मॉड्यूल इंसर्ट किया, सब्जेक्ट यहाँ पे करते हैं सेंड नाम का फाइल, और दो स्क्रीन डुअल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आईडी जनरेट करना है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूं आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और इसमें देते हैं रेंज, रेंज में हम करते हैं ए से लेके ए, लेकिन किसका ए से, सीट नेम डिफाइन करना होगा ना, सीट नेम, यस, इसके आगे हम देंगे शीट्स और शीट्स में हम डाल देंगे डेटा, तो ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट कर देगा, जो भी इसके अंदर आईडी पहले से होगा उसकी मैक्सिमम निकाल लेगा और फिर उसमें हम प्लस वन कर देंगे। सर ये मैक्स क्या है, मैक्स फॉर्मूला है क्या है? अच्छा, मैक्स फॉर्मूला नहीं जानते हैं, मैक्स एमएक्स, ये वाला मैक्स फॉर्मूला, देखिए हमको एक्स, देखिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला डालने के लिए इस तरह से लिखना पड़ता है आपको, आगे वो फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ फॉर्मूले से सपोर्ट करते से लेन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, डेट हो गया, ये सब फॉर्मूले सपोर्ट करते हैं। कैसे पता चलता है, जब इसको लिखते हैं तो नीचे एक्सप्रेशन आता है, मैक्स में नहीं आएगा, मैक्स में नहीं आ रहा इसका मतलब फिर उसको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन से ही कॉल कर, ठीक है? अगर आईडी 10 प्लस से लेना है तो मैक्स में 10 कमा सीट सीट सिलेक्शन करके करना पड़ेगा ना, अगर 10 प्लस को करना है आईडी, मतलब 11 12 से शुरू हो, हां जो भी आप यहां जो रेंज, यहां ए कॉलन है, अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज है तो पर्टिकुलर रेंज डालना होगा, लेकिन एक्सेल की तरह नहीं, वीवीए कांसेप्ट के थ्रू डालना होगा, जैसे एक्सेल में मैक्स वहां लगा दिया ए1 से बी1 कर दिया, ऐसा नहीं करता है, उसको प्रॉपर वीवीए मेथड के थ्रू देता है। ठीक, अब यहां पे लिखते हैं रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1। पहले क्या करेगा कि यहां से ऊपर जाएगा, देखिए पहले जाएगा, एक बार देख लीजिए, ए जाएगा 65,000, नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, और यहाँ पे जो इस कॉलम की मैक्सिमम नंबर होगा उसमें एक ऐड कर देगा, अभी फिलहाल जीरो है, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, आईडी नंबर वन जनरेट कर देगा, ठीक है? ठीक है सर, अब इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, अब यहाँ मैं कर देता हूँ जीरो, यहाँ कर देता हूँ वन, क्योंकि अब जो है यहाँ 65,000 करेगा और यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो ए वन पे पहुंचेगा ना सर, तो इसमें जीरो रो रहेगा तभी तो, अगर यहाँ वन रो कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, हमें तो इसके अगली कॉलम में जाना है ना, राइट जाना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डेट, लेकिन एक दिक्कत कर रहे हैं, हमने रेंज ले लिया, इस सीट पे करना है, उसका सीट तो देना ही होगा ना, इस सीट डेटा, ठीक है, और डेटा यहाँ भी आना चाहिए, डेट के बाद आएगा टाइम, तो इसमें भी हम टू कर देंगे इसको, और यहां कर देंगे टाइम, क्या कर देंगे टाइम, उसके बाद यहां डेट और यहां डेट और टाइम देने के बाद अब हमें फर्स्ट नेम पे आना है, फर्स्ट नेम हमारे फॉर्म सीट के अंदर यहां E5 में है ना सर, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ,
यहाँ पे कर देते हैं 3, और टाइम के जगह पे हम करेंगे रेंज ई 5 डॉट वैल्यू। अब बोलेंगे सर इसके आगे भी सीट लगाना होगा। देखिए ए माइक्रो कब ट्रिगर होगा, जब आप अपने एक्सेल पे आएंगे, एक्सेल के फॉर्म सीट पे आएंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म सीट पे तो आना ही होगा ना। जब आप फॉर्म सीट पे ऑलरेडी आए हुए हैं तो कंपलसरी नहीं है, तो जरूरी ही नहीं है ना सर, समझे कि नहीं। इसको यहां से हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, इस बार हो जाएगा 3 के जगह पे 4 और फर्स्ट नेम के जगह पे हो जाएगा हमारा लास्ट नेम जो कि है G6। यहां डालेंगे G5 और एक और हम यहां पे फोन नंबर भी कर देते हैं, जो वापस कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं और यहां 5 के जगह पे, 4 के जगह पे 5 और G5 के जगह पे E8। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इस माइक्रो को हमें इस बटन पर असाइन करना हो, तो बटन पे राइट क्लिक करके मैं गया असाइन माइक्रो और यहां सेन नाम का माइक्रो को सेलेक्ट किया और हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भरता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पूजा सिंह, प्रोटेक्शन कर दीजिएगा ताकि जहां जहां टाइप करना है वहीं पे कर्सर जाए। अभी इसको हाईलाइट कर दीजिए, इसलिए हमने बोला था आपको कि आपने गलत किया है। अब यहाँ पे मैं इसको सबमिट पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो सेंड पे क्लिक करते देखिए डेटा यहाँ पहुंच गया। एक मैसेज नहीं है यहाँ पे MSG बॉक्स, यहाँ दे दीजिए डेटा सेंड। ठीक है, नजर आएगा और हर बार जो एंट्री करेंगे तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एंट्री होगा। क्लियर सर। अब ए फाइल आप लोगों को मैं भेज रहा हूं। और हाँ, एक गलती की आपने, हमने कितना बार बोला है कि माइक्रो वाली फाइल हमेशा सेव होगी किसमें, एक्सेल में। आपने एक्सेल वर्कबुक में मुझे भेज दिया, गलती किया ना आपने, ध्यान रखिएगा। अपना अगली बार गलती करेंगे तो कान पकड़ के उठे बैठे करवाऊंगा।